Hello, all our dear students out there. This is Nana Jain from e-learning point. Students, today I am here to tell you something about e-learning point. What is e-learning point? What is our motto? Okay, so students, as we talk about e-learning point, basically what do we do? So हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट्स को इजी बनाने की कोशिश करते हैं. जो भी आपके 11th या 12th से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि उसका आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाए. उसके लिए हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप टीचर्स को देखेंगे जो आपको हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट्स को प्रॉपरली क्लियर करेंगे. उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होते हैं तो उसके लिए हम लोग लाइव डाउट क्लासेस आपके लिए अरेंज करते हैं. आफ्टर दैट हम लोगों ने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसकी कुछ इस तरीके से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं. बेसिकली ये जो नोट्स हैं बेटा, आप लोग इसमें से आपको कोई भी दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती. हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी सारी बुक्स को रेफ़र करके एज़ पर CBSE जो बेस्ट नोट्स होने चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके दिए हैं. CBSE के एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको यहाँ पर देते हैं, जिसके हमें लगता है कि आप लोग आंसर्स नहीं कर पाएंगे, उन सभी के हम आपको आंसर्स भी इस तरीके से मेंशन करके देते हैं. ठीक है, सो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता. इन नोट्स के थ्रू आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आपको इन्हें रीड करना है. कोई पूरे पूरे चैप्टर्स रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है. हम लोग आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं. कोई भी अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो डाउट क्लासेस अरेंज की जाती हैं, वो लाइव होती हैं. उनमें आप चाहो तो हमसे, जो भी टीचर्स होते हैं उनसे बात कर सकते हो. बेसिकली आई विल स्टडी यू बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. ओके, सो इन दीज टू सब्जेक्ट्स कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं, किसी भी तरीके का इशू होता है, तो आप लोग हमसे उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं. बेसिकली वॉट द क्वेश्चन स्ट्राइक्स इन योर माइंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास दो तरीके होते हैं बेटा. यू हैव टू वेज. वंस यू कैन डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज़ ई लर्निंग पॉइंट ऐप. आप उस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करवा सकते हो. अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो यू कैन गो टू आर वेबसाइट, दैट इज़ www.theeasylearning.com. ये हमारी वेबसाइट्स है, यहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो. जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो टीचर्स हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाती है. उसके अलावा उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड, उनका टीचिंग रिकॉर्ड, ये सब आपको वहाँ प्रोवाइड होता है. उनके लाइव डेमोज जो आपको होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं. आप किसी भी, जैसे आप प्रॉपर ट्यूशन के लिए जाते हो, चेक करना चाहते हो कि टीचर कैसा पढ़ा सकता है, आप हमारी भी पढ़ाई वैसे ही चेक कर सकते हो. बट आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट करके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स जो होते हैं आने जाने में, आप समझते हैं, वो भी थोड़े से ठीक हो जाते हैं इसमें. दूसरी चीज़ ये है कि बेटा, हम लोग आपको बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की कन्वीनियंसी लेवल बढ़ जाए, कम्फर्ट लेवल बढ़ जाए. ठीक है, जितने भी आपके नोट्स वगैरह रहेंगे वो भी हमारी तरफ से प्रोवाइडेड होंगे. क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, वो सब आपको अवेलेबल करवा दी जाती हैं. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उसके लिए ऑनलाइन डाउट क्लासेस होती हैं, लाइव होती हैं. आप जो भी चाहते हो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना. ठीक है बेटा, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बिजनेस और इको पढ़ाऊँगी, सो बेसिकली वी विल स्टार्ट आवर जर्नी विथ बेसिक कीन पॉइंट्स ऑफ बिजनेस. जो भी छोटे से छोटी बात होगी वो सब करना है. कई बार सोचते हैं मन में, ठीक है थ्योरी सब्जेक्ट है, हो जाएगा. वो सब चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम्स अगर कोई भी आती हैं, तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना बेटा उसमें, सिर्फ ध्यान से सुनना है कि हम आपसे क्या कह रहे हैं. ठीक है, आपने जो नोट्स अभी देखे वो कुछ इस तरीके के होते हैं. हमारे जितने भी नोट्स होते हैं बेटा, CBSE बेस्ड होते हैं, आपको CBSE के एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए होते हैं. इसमें आपको चैप्टर वाइज ईजिएस्ट नोट्स जो हम अवेलेबल आपको करा सकते हैं, वो सभी नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर के ये नोट्स बने हुए हैं, जो इसमें आपको प्रॉपरली हर टॉपिक के लिए आपको प्रॉपर दिया हुआ है, डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो भी होने चाहिए. ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरी बुक प्रिपेयर की करके दी जाती है नोट्स की. सो इसके बाद आपको कोई भी NCERT की बुक या कोई भी दूसरी बुक्स पढ़ने की इतनी जो इनकन्वीनियंसी होती है वो नहीं होगी. आप अगर चाहें तो सिर्फ इससे प्रिपेयर करके आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो.
साथ ही साथ हमारा मोटिव ये होता है कि सभी स्टूडेंट्स को एनकाउंटर करना है. इट डजेंट मैटर वॉट यू आर, हु यू आर, वॉट इज़ योर एजुकेशनल लेवल, वॉट इज़ योर बेसिक नॉलेज. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक फैक्टर्स सो दैट वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ओके बेटा, तो मेन जो हमारी चीज़ होती है वो यही है. हमें ये नहीं देखना है आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स. हम ये समझ के चल रहे हैं कि ना हम इंटेलिजेंट हैं ना आप, साथ में मिलके कंसेप्ट क्लियर करना है और वही हम फोकस रखेंगे हर चीज़ के लिए. तो एक बार आप लोग सभी डेमो क्लासेस को एक बार चेक कीजिए अच्छे से, ताकि सभी टीचर्स जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं अपना मैसेज या कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ पाओ, ताकि आपको पता लगे कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू. प्लीज़ गो आउट विद द क्लासेस एंड चेक आउट वेदर वी आर गुड टीचर्स और नॉट. ओके, सो कंटिन्यू विद इट एंड प्लीज़ डू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन ई लर्निंग पॉइंट ऐप और ऑन द वेबसाइट, दैट इज़ www.theeasylearning.com. Thank you so much.